अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज तक जितने भी एपिसोड्स हुए उन सभी में हम कंसेप्ट वाइज चल रहे थे, यानी कि हर एपिसोड में हम सीख रहे थे 20 वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ पर्टिकुलर अल्फाबेट। पर अब से जैसे कि 26 जितने भी अल्फाबेट्स पे लेटर्स पे खत्म हो चुके हैं, तो अब हम नया कंसेप्ट लाए हैं। जी हाँ, इस कंसेप्ट में हम हर हफ्ते एवरी वीक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 20 वर्ड्स बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर थीम। जैसे कि आज द वर्ड विल बी रिगार्डिंग डे टू डे लाइफ। जी हाँ, जो रोजाना की लाइफ है जिसमें हम वर्ड्स यूज करते हैं, कुछ ऐसे जो बहुत ही कॉमन है, आम है, पर हो सकता है कि वो जब आप इंग्लिश में सुने वो वर्ड्स आपको अटपटे लगे, क्योंकि हिंदी, पंजाबी या कोई और रीजनल लैंग्वेज में वो वर्ड्स शायद आपको पता हो, रोज आप यूज भी करते हो, पर इंग्लिश में शायद ध्यान में ना हो। तो चलिए, टेस्ट योर नॉलेज, और अगर आपको नहीं पता थे वर्ड्स तो आपकी वोकैबुलरी में नए वर्ड्स जरूर ऐड हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए बढ़ाते हैं कदम इस लर्निंग सेशन की तरफ। जैसे सभी लिसनर्स ने पहले के एपिसोड्स, पहले के कॉन्सेप्ट्स खूब पसंद किए, उम्मीद है मुझे कि ये थीम बेस्ड एपिसोड्स भी बेहद पसंद आएंगे आपको। तो चलिए, मैं आरजे दिव्या शर्मा शुरुआत करती हूँ इस लर्निंग सेशन का। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड, ये जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपने इंग्लिश को होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड चाहते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं आप किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Very first segment of vocabulary dose, we are going to talk about first 5 words which are commonly used in our day-to-day life. तो दोस्तों, चलिए फिर शुरुआत करते हैं इन 5 words की। The first word for this evening is sneeze, 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 यानी कि छींकना। जी हाँ, जब भी हम छींकते हैं, चाहे वो हमारे नाक में कोई बाल या मिट्टी गई हो या वैसे हमें ठंड लग गई हो तो छींक आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं स्नीज, sneeze. तो एग्जांपल देती हूँ एक मैं यहाँ पे। यू शुड ऑलवेज कीप योर हैंड ऑन योर माउथ वाइल स्नीजिंग। जी हाँ, तुम्हें हमेशा अपने मुंह पे हाथ रखना चाहिए जब तुम छींकते हो। सो यू शुड ऑलवेज कीप योर हैंड ऑन योर माउथ while you sneeze. तो चलिए, the second word for this evening is, well दोस्तों, हम सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिकार तो मारी होगी। जी हाँ, डिकार मारना, उसे हम कहते हैं बर्प, burp, बर्प, यानी कि डिकार मारना, burp, बर्प, चाहे वो गैस बनने से आ रही हो या फिर ज्यादा खाने से आ रही हो, तो उसे हम कहते हैं बर्प। तो एग्जाम्पल देती हूँ, ही बर्प्स अ लॉट। जी हाँ, वो बहुत डिकारे लेता है, सो ही बर्प्स अ लॉट। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज स्नोर, snore, स्नोर, यानी कि खराटे लेना। जी हाँ दोस्तों, खराटों से तो आप सभी रूबरू होंगे ही, तो खराटे, स्नोर। एक एग्जाम्पल देती हूँ, शी स्नोर्स अ लॉट एवरी डे। जी हाँ, वो हर रोज बहुत खराटे लेती है। या फिर यूर स्नोर कुडंट लेट मी स्लीप द होल नाइट।
जी हाँ, जो तुम्हारे खराटे थे उन्होंने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। तो चलिए दोस्तों, द फोर्थ वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज डोजी। जी हाँ, DOZY, डोजी, यानी कि हाफ एस्लीप। जी हाँ, जब आपको नींद की झपकी आ रही हो, आप बिल्कुल नींद आई जा रही है, आपको बार बार झपकी आई जा रही है, आधी नींद में हो आप, तो उसे हम कह देते हैं डोजी, DOZY। एग्जाम्पल देती हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द डोजी गाय। जी हाँ, सपोज कीजिए कि आप एक दुकान पे गए रात को और आपने कुछ खरीदना है, पर आपने देखा कि वो व्यक्ति आधी नींद में है, बहुत थका टूटा, थोड़ी सी झपकियाँ ले रहा है, तो आपने सोचा छोड़ो यार क्या खरीदना, रहने दो से नींद में रहने दो। सो आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द डोजी गाय। तो चलिए दोस्तों, द फिफ्थ वर्ड इज बहुत ही मिलता जुलता है, यानी कि सुनने में मिलता जुलता है, कोजी। जी हाँ, COZY, कोजी, यानी कि enjoying और affording comforting warmth and shelter, especially in small space। जी हाँ दोस्तों, जब बहुत ठंड हो और आप कंबल में घुस जाएं, खिस्से में घुस जाएं, या किसी गर्म जगह पे बैठ जाएं, तो आपको बहुत आराम आता है। सो वो जो कंफर्ट, गर्माइश आती है, उसे हम कहते हैं कोजी, COZY, कोजी। तो एग्जाम्पल देती हूँ दोस्तों, ही वॉज फीलिंग कोजी वाइल सिटिंग इन बेड। जी हाँ, बेड में बैठ के वो कोजी फील कर रहा था, सो कोजी, गर्माइश। तो दोस्तों, दीज वर द फाइव वर्ड्स फॉर दिस 25th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और आज हम बात कर रहे हैं जनरल वर्ड्स की, तो लेट अस टेक अ क्विक रीकैप ऑफ दीज फाइव वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड वॉज स्नीज, यानी कि छींक मारना। सेकेंड वर्ड वॉज बर्प, BURP, यानी कि डिकार मारना। थर्ड वर्ड था स्नोर, SNORE, स्नोर, यानी कि जो हम खराटे लेते हैं उसे स्नोर कहते हैं। फोर्थ वर्ड वॉज डोजी, DOZY, यानी कि जब कोई आधा नींद में होता है, सो डोजी। एंड फिफ्थ वर्ड वॉज कोजी, COZY, कोजी, यानी कि जब गर्माइश हो, सो कोजी, गर्माइश मिल रही हो, कोजी। तो चलिए, आई विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट सेट ऑफ फाइव वर्ड्स जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप बने रहिए इस लर्निंग सेशन पे विद RJ दिव्या शर्मा। Radio Union, a flight of life. www.radioeden.com. तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 25th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about the common words which we use every day. तो चलिए, the sixth word for this evening is LATCH, 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 यानी कि क्लोज। जब हम किसी चीज को बंद करते हैं, कुंडी लगाते हैं, लॉक लगाते हैं, तो उसे हम क्या देते हैं, लैच, स्पेशली जब कोई जाली वाला दरवाजा हो, सो लैच। एग्जाम्पल देती हूँ, प्लीज लैच द डोर प्रॉपरली। जी हाँ दोस्तों, जो दरवाजा है उसे ठीक से बंद करो, सो लैच द डोर प्रॉपरली, सो LATCH, लैच। तो चलिए दोस्तों, सेवेंथ वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज बास्क, BASK, बास्क। तो दोस्तों, धूप तो आपने भी सेकी होगी कभी ना कभी। जी हाँ, जब हम कोई सेकते हैं, धूप सेकते हैं, तो हम उसे क्या देते हैं, बास्क, BASK, बास्क। ये आमतौर पर वर्ड तभी यूज होता है जब हमें आनंद मिल रहा हो, इंजॉयमेंट मिल रही हो, प्लेजर मिल रहा हो धूप से, सो बास्क। एग्जाम्पल देती हूँ, शी वॉज बास्किंग इन द सन। जी हाँ, वो सूरज सेक रही थी, धूप सेक रही थी, सॉरी, सो वो धूप सेक रही थी, सो बास्क। तो चलिए, द एट वर्ड फॉर द इवनिंग इज सीज, CEASE, सीज, यानी कि पुट एन एंड टू अ स्टेट और एन एक्टिविटी। जी हाँ, किसी भी चीज पे फुल स्टॉप लगा देना, बंद कर देना, उसे आगे करना, सो उसे हम कहते हैं सीज,
CEASE, यानी कि रोक देना. एग्जाम्पल देती हूँ, शी सीज्ड टीजिंग हर ब्रदर. जी हाँ, उसने बंद कर दिया अपने भाई को तंग करना. सो सीज्ड. दोस्तों जो स्टॉप का मतलब होता है वही मतलब सीज का हो सकता है. सो सेम ही है. तो चलिए, द नाइन्थ वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज टिल्ट. TILT, टिल्ट, यानी कि झुकाना. जब आप किसी चीज को टेढ़ा करते हैं, झुकाते हैं टेढ़ा करके, सो उसे हम कह देते हैं टिल्ट. एग्जाम्पल देती हूँ, कैन यू टिल्ट द टेबल अ लिटल. जी हाँ, क्या आप टेबल को थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं. सो टिल्ट, टिल्ट यानी कि किसी चीज को टेढ़ा कर देना, टिल्ट. तो चलिए, द टेंथ वर्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग इज टेम. TAME, टेम, यानी कि करेक्ट बाय पनिशमेंट और डिसिप्लिन. जी हाँ, या तो पनिशमेंट देके, सजा देके, या डिसिप्लिन रख के किसी चीज को इम्प्रूव करना, सही करना, उसे हम कह देते हैं टेम. एग्जाम्पल देती हूँ, स्कूल्स शुड टेम स्टूडेंट्स. जी हाँ, जो स्कूल्स हैं उन्हें, जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें टेम रखना चाहिए, बिल्कुल मतलब करेक्ट करने की उनकी चीजें जो गलत है, डिसिप्लिन में रख के पनिशमेंट दे के. तो चलिए दोस्तों, these were the 5 words for the second segment of vocabulary dose. So let us take a quick recap. तो दोस्तों जो 6th word था वो था latch, यानी कि close. जैसे कि मतलब जाली का दरवाजा हम बंद कर देते हैं, so close करना, बंद करना, latch. So latch the door properly. The 7th word was bask, यानी कि सेकना. जैसे हम धूप सेकते हैं, so bask. He is basking in sun. तो 8th word was seize. CEASE, seize. यानी कि जब किसी चीज का हम अंत कर दें, रोक दें, उसे आगे ना करें, तो seize. Stop जैसे होता है वैसे ही seize. She ceased teasing her brother. जी हाँ, वो अपने भाई को तंग करना उसने बंद कर दिया. तो दोस्तों 9th word was tilt. TILT, tilt. यानी टेढ़ा करना, झुकाना टेढ़ा करके, तो उसे हम कह देते हैं tilt. Can you please tilt the table a little? जो टेबल है उसे थोड़ा सा टेढ़ा करोगे क्या? तो दोस्तों the 10th word was tame, T-A-M-E, tame. यानी कि पनिशमेंट या फिर डिसिप्लिन रख के कोई चीज को ठीक करना, उसे हम क्या कहते हैं टेम करना. जैसे कि स्कूल शुड टेम स्टूडेंट्स. जी हाँ, जो बच्चे हैं उनकी गलतियों को सुधारना चाहिए, उनको इम्प्रूव करवाना चाहिए, डिसिप्लिन रखना चाहिए, सजा देके उन्हें सही राह पे चलाना चाहिए. तो दोस्तों दीज वर द 5 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ वोकैबुलरी डोज. आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा. तो दोस्तों आज इस 25th एपिसोड में हम बात कर रहे हैं वर्ड्स की, जो कि हम आजकल रोजाना में, डेली लाइफ में यूज करते हैं. तो अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे 11th से लेके 16th वर्ड तक, यानी कि 5 वर्ड्स. तो चलिए, The 11th word for this evening is sniff. S-N-I-F-F, sniff. यानि कि preserved by inhaling through the nose. जी हाँ, जब हम कोई चीज सूंघते हैं तो हम उसे sniff करते हैं. जैसे कि तो sniff, सूंघना. जैसे आपने सुना ही होगा कि जब कोई special program होते हैं, stadium में match होते हैं, मंत्री ने आना होता है, तो वहाँ पे स्निफल डॉग्स होते हैं जो सूंघ सूंघ के देखते हैं कि वहाँ कोई बम तो नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो नहीं होनी चाहिए. सो स्निफ, यानी कि सूंघ सूंघ के स्निफ. एग्जांपल देती हूँ, देयर वर मेनी स्निफर डॉग्स इन द स्टेडियम. बहुत से स्निफर डॉग्स थे स्टेडियम में. तो दोस्तों द 12th वर्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग इज स्ले. S-L-A-Y, स्ले. यानी कि किल इंटेंशनली एंड विद
प्री मेडिटेशन या सोच समझ के जानबूझ के किसी को मारना, उसे हम कहते हैं स्ले। एग्जाम्पल देती हूँ, ही स्लेड हिज नेबर, या उसने अपने जो नेबर है उसका पड़ोसी है उसकी जान ले ली जानबूझ के। मतलब ये नहीं कि गलती से उसको धक्का लग गया, उसने जानबूझ के धक्का दिया। सो स्लेड यानी कि जानबूझ के सूझबूझ के साथ किसी को मारना। तो चलिए, द 13th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज ड्यू, DEW, ड्यू। जी हाँ, जो दोस्तों ओस की बूंदे होती हैं उन्हें हम कह देते हैं ड्यू। जो फ्रेश सी बहुत ही ताजी छोटी छोटी ड्रॉप्स होती है, बूंदे होती हैं, उसे हम कह देते हैं ड्यू। ओस तो आप सभी ने कभी ना कभी महसूस की होगी, सो ओस। एग्जाम्पल देती हूँ, द ड्यू ड्रॉप ऑन द लीव्स आर लुकिंग अमेजिंग। जी हाँ, जो वो ओस की बूंदे हैं वो पत्तों पे बहुत खूबसूरत लग रही हैं, सो ड्यू ड्रॉप्स। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर दिस ब्यूटिफुल इवनिंग इज लेजर, LEISURE, लेजर। यानी कि टाइम अवेलेबल फॉर ईज एंड रिलैक्सेशन। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप पूरे दिन काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आपको रात को जाके एक घंटा मिला कुछ आराम करने का, या फिर टीवी देखने का, या जो भी आप चीज करते हैं वो करने का। सो वो जो आराम करने का, रिलैक्स करने का टाइम होता है, उसे हम कह देते हैं लेजर, LEISURE। तो चलिए मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, आई विल कॉल यू इन माई लेजर टाइम। जी हाँ, मैं जो अपना लेजर का टाइम है, जब मेरे पास थोड़ा खाली वक्त होगा तब मैं फोन करूंगा। सो आई विल कॉल यू इन माई लेजर टाइम। तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज लेजी। जी हाँ, लेजी तो शायद आप सभी को पता होगा, LAZY, लेजी। एक तो इसका मतलब होता है मूविंग स्लोली एंड जेंटली, बहुत धीरे धीरे चलना, उसे भी हम कहते हैं लेजी। जैसे कि लेजी क्लाउड्स, जैसे कि सपोज कीजिए बादल हैं और वो धीरे धीरे जा रहे हैं, हट ही नहीं रहे हैं, सो लेजी, स्लो। और दोस्तों दूसरा मतलब हम सभी जानते हैं, डिसइंक्लाइंड टू वर्क, यानी कि जब कोई काम नहीं करना चाहता तो वो धीरे धीरे लगा रहता है, काम ही नहीं करता, सो लेजी यानी कि बहुत सुस्त। तो सुस्ती को कह देते हैं लेजी। जैसे कि ही इज अ लेजी कलीग, ये वो बहुत ही लेजी है। तो दोस्तों दीज वर द 5 वर्ड्स फॉर दिस 3rd सेगमेंट ऑफ 25th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो दोस्तों जल्दी से रिकैप ले लेते हैं इन 5 वर्ड्स का। द 11th वर्ड वाज स्निफ, यानी कि सूंघना, स्निफ। तो स्निफ। तो चलिए, द 12th वर्ड वाज स्ले, SLAY, स्ले, यानी कि किसी को जान बूझ के सूझ बूझ के साथ मारना, किल, इंटेंशनली एंड विद प्री मेडिटेशन। तो स्ले, ही स्लेड हिज नेबर। द 13th वर्ड वाज ड्यू, DEW, ड्यू, यानी कि जो ओस होती है उसे हम कहते हैं ड्यू। जैसे कि देयर वर ब्यूटीफुल ड्यू ड्रॉप्स ऑन द लीव्स, पत्तों पे बहुत ही खूबसूरत ओस की बूंदे थी। 14th word was leisure, 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 यानी कि कोई ऐसा समय आपके पास जो बचता है जिसमें आप आराम कर सकते हैं, या फिर आप कोई टीवी देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, काम के बजाय जो समय मिलता है उसे हम leisure time बोल सकते हैं। जैसे कि I will call you in my leisure time। तो चलिए, the 15th word was lazy, 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 यानी कि बहुत ही धीरे धीरे सुस्त, सुस्ती चला रखनी, सो सुस्त, लेजी, ही इज अ लेजी फ्रेंड। तो दोस्तों दीज वर द 5 वर्ड्स फॉर 3rd सेगमेंट, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। तो आप सुनते रहिए वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। www.radioeden.com तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द 4th सेगमेंट ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट 5 वर्ड्स ऑफ दिस एपिसोड। तो दोस्तों, द 16th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज क्विल्ट, QUILT, क्विल्ट, यानी कि रजाई। जी हम सभी को ठंड बहुत लगती है,
तो ठंड लगती है तो हम रजाई लेते हैं। सो रजाई को हम कहते हैं क्विल्ट। इट्स कोल्ड, वी हैव टू टेक आउट क्विल्ट। जी हाँ, ठंड में, गर्मी में हमने अंदर रखी होती है और सर्दी में हम निकाल लेते हैं। सो बहुत ठंड हो रही है तो हमें जो रजाई है वो बाहर निकाल लेनी चाहिए। सो इट्स कोल्ड, वी हैव टू टेक आउट क्विल्ट। तो चलिए, द 17th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज, इससे पहले कि मैं ये आपको वर्ड बताऊं, आपको बताना चाहूंगी कि पिछला वर्ड था रजाई और अब हम बात करने जा रहे हैं मिलते जुलते वर्ड की, जो कि है ब्लैंकेट। BLANKET, ब्लैंकेट, यानी कि खेसी। वो रजाई थी जो कि बहुत भारी भरकम होती है, गर्म होती है, वो रजाई यानी कि क्विल्ट, और ये है ब्लैंकेट यानी कि खेसी, हल्की फुल्की पतली सी जो खेसी होती है ओढ़ने को, उसे हम क्या देते हैं ब्लैंकेट। यानी कि सिंपल वर्ड में बोलूं तो ब्लैंकेट चादर हो गई पतली सी, सो जो हमें गर्म रखती है, सो ब्लैंकेट। एग्जाम्पल देती हूँ, ब्लैंकेट कीप्स मी वार्म। जी हाँ, जो ब्लैंकेट है खेसी है वो मुझे गर्म रखती है। तो चलिए, द 18th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज चकल। जी हाँ दोस्तों, चकल यानी कि, पहले स्पेलिंग बता देती हूँ, CHUCKLE, चकल यानी कि लाफ क्वाइटली और विद रिस्ट्रेंट। जी हाँ, जो बहुत धीमी आवाज में जब आप हंसते हैं दबा दबा के, उसे हम कह देते हैं चकल। एग्जाम्पल देती हूँ, When the teacher punished Rohan, Rita was chuckling. जी हाँ, कभी कभी होता है ना, जब आपके दोस्त को डांट पीट रही हो और आप धीरे धीरे धीमी आवाज में हंसी को रोकते हुए हंसते हैं, सो उस चीज को हम कहते हैं चकल। सो जब रोहन को डांट पीट रही थी, रीता दबी आवाज में हंस रही थी, सो चकल। तो चलिए, द 19th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज रेन। REIGN, रेन यानी कि हैव कंप्लीट पावर। जी हाँ, जब किसी का राज चल रहा हो सो उस राज के समय को रेन कह देते हैं, REIGN। दोस्तों मैं बारिश वाली रेन की बात नहीं कर रही हूँ, उसके स्पेलिंग होते हैं RAIN। मैं बात कर रही हूँ REIGN, रेन यानी कि राज। तो एग्जाम्पल देती हूँ, हैरी वी रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जी हाँ, जो हैरी वी, उसने बहुत समय तक राज किया। हेनरी वी रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि जो हेनरी वी था उसने बहुत समय तक राज किया, रेन। तो दोस्तों, द 20th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज कफ, COUGH, कफ यानी कि खांसी। ही इज सफरिंग विद कफ सो ही कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग टुडे। जी हाँ, उसे कफ हुआ है, खांसी जुकाम हो रखा है तो वो आज गा नहीं पाएगा, सो कफ, COUGH। तो चलिए, लेट मी क्विकली रिपीट दीज 5 वर्ड्स। द 16th वर्ड वाज क्विल्ट यानी कि रजाई। 17th वर्ड वाज ब्लैंकेट यानी कि खेसी। जो क्विल्ट होती है, रजाई होती है, वो ज्यादा गर्म होती है और ब्लैंकेट खेसी वो थोड़ी गर्म होती है। तो 18th वर्ड वाज चकल यानी कि धीमी आवाज में हंसना। 19th वर्ड वाज रेन, REIGN यानी कि राज। और 20th वर्ड वाज कफ यानी कि खांसी जुकाम, COUGH, कफ। तो चलिए दोस्तों, दीज वर द 5 वर्ड्स फॉर 4th सेगमेंट। आई बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, बिकॉज अभी बातें करना बाकी है दोस्तों। तो जल्दी से वर्ड्स को दोहरा लीजिए, अच्छे से सेव कर लीजिए, और कोई डाउट्स है तो मैं तो हूँ यहाँ पे। तो चलिए, मिलती हूँ आपको। हैप्पी लिसनिंग एंड स्टे लर्निंग। हैप्पी लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड। www.radioeden.com तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वोकैबुलरी डोज। मुझे तो बहुत मजा आया आज का ये एपिसोड करने में, और उम्मीद है कि आपने भी नए वर्ड सीखे होंगे। हो सकता है ये वर्ड आप रोज यूज करते हो पर आपको पता ना हो कि इंग्लिश में इन्हें कैसे कहते हैं, तो आज आपको वो भी पता लग गया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस।
तो चलिए अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प थीम्स तो आप मुझे फीडबैक में भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि उन थीम्स पे भी मैं ये एपिसोड्स लाऊं। अपने फीडबैक्स देते रहिए, मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी को बहुत पसंद आ रहा है वोकैबुलरी डोज का ये शो। तो चलिए अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको समझ नहीं आया, ये कोई भी ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको कुछ पूछना है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com और साथ ही स्काइप आईडी रेडियो उड़ान है, फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/radioudan और साथ ही दोस्तों ट्विटर पे भी रेडियो उड़ान के नाम के साथ हम अवेलेबल हैं। और अगर कोई भी एपिसोड आपने मिस कर दिया है तो घबराइए मत, आप हमसे मांग सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके या फिर जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, वहां जाके भी आप हमारे एपिसोड सुन सकते हैं। तो चलिए अब मैं आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नियनंगल स्टूडियो पंजाब इंडिया लेती हूँ इजाजत और मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो चलिए आप रेडियो उड़ान की उड़ान के साथ बने रहिए, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक। हैप्पी लिसनिंग एंड मेक श्योर कि आप ये वर्ड्स यूज करें। हैप्पी लिसनिंग। Flight of life. Varieties of music. And more, so keep listening. Radio Live. नमस्कार, सिल्वर लाइनिंग से प्रीति मोंगा बोल रही हूँ। हम लोग डिसेबल लोगों को जॉब्स दिलाने का काम करते हैं। जो लोग जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं वो हमें अपना सीवी या बायोडाटा इन इस ईमेल आईडी में भेज दें, preeti.monga@gmail.com। जल्द से जल्द आप अपना डिटेल्स हमें भेजें और हमारा फोन नंबर है 0987170146। धन्यवाद। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओ शट अप यार। यार किरण, लो ये बिल पे कर दो। बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन सब एक एक प्लेट, पर आज तो तेरा फास्ट था ना, तो फिर ये बिल। हाँ तो ये फास्ट फूड ही तो है। ओ शट अप यार। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। कीप लिसनिंग एंड कीप लाफिंग विद रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।